मुझे कुछ 10-12 उनके छोटे छोटे नोट्स मिले जो उन्होंने एक जमाने में लिखे थे यही मसूरी में, और जब मसूरी में थे तो उस 2-3 साल में उन्होंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। मैं उनके बारे में भूल गया था, जब मैं उनको देखने लगा तो मुझे फिर से भारतीय चित्तमानस काल की याद आई। दिस इज अ स्मॉल एसे एज यू नो विच वॉज रिटन इन 1991 बाई धर्मपाल जी, एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन अ हिंदी न्यूज पेपर सीरियलाइज इन दैट कॉल्ड जनसत्ता विच इज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 2 साल के बाद। तो ये जो था क्या चाहे पानी तो उसमें दिस बुक आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ दिस बुक व्हेन आई वॉज रीडिंग दोज नोट्स एंड आई अगेन वेंट थ्रू दिस दिस बुक वंस अगेन बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एंड व्हाइल आई वॉज रीडिंग इट आई फेल्ट दैट दिस शुड बी रेड, इसका पठन होना चाहिए। पठन का मतलब है आई जस्ट केम टू नो लिट कि आप बार बार जिसको पढ़ते हैं उसको पठन कहते हैं कि और अभी एक और चीज़ मेरे को किसी ने कहा तो बहुत मेरे को समझ में आई वो बात कि ये शास्त्र नहीं है। भारतीय चित्तमानस काल कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र वो होता है जिसमें आप कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, ये वैसा नहीं है। ये एक पुस्तक है जैसे कि गांधी जी की किताब है एक छोटी सी हिंद स्वराज, सो ये उसी जॉनर की किताब है, ये पुस्तक है शास्त्र नहीं है। फर्क ये होता है कि पुस्तक को गंभीर पुस्तक है, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो चिंतन और मनन के लायक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा गया है वो अकाट्य है, यानी वो शब्दों को बदला भी जा सकता है, ऐसा कोई उसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मेन बात है उसके अर्थ को पकड़ने की और फिर उसको अपने अंदर उसके ऊपर चिंतन मनन चले, कुछ चले और फिर उसमें से कुछ और बात निकले, ऐसा मैं देखता हूँ। तो मुझे लगा कि ये पुस्तक को हमको सामूहिक रूप से पढ़ना चाहिए, कलेक्टिवली पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, और इसको पढ़ने के बाद एक एक इंडिविजुअल इसको पढ़े और उसके बाद उस पर डिस्कशन हो सामूहिक तौर पर। और वो डिस्कशन जो है, जो यहाँ की परंपरा है सिद्ध की, हम लोग उसको डायलॉग के फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हैं। डायलॉग और डिबेट में एक बुनियादी फर्क है। डिबेट में योर पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस माय पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डायलॉग में हम एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं और इस सेंस में सुनते हैं कि जैसे हम पहली बार उन शब्दों को सुन रहे हैं, यानी उन शब्दों को जो कहा जा रहा है, जो स्पीकर जो शब्दों का इस्तेमाल करता है वो शब्द हमारे सबके पहले सुने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ही उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्द से हम सबकी फेमिलियरिटी है, हम सबकी पहचान है उन शब्दों से, लेकिन हम सबके उन शब्दों के पीक के ऊपर कुछ पूर्वाग्रह हैं। अभी तो शुरू हुआ है, ले आओ ठीक। उसके ऊपर कुछ पूर्वाग्रह हो चिपक जाते हैं, उन शब्दों के ऊपर हम अपने अपने मायने लगा लेते हैं, ये अपने आप होता है। और बोलने वाले का जो वो है, बोलने वाले का जो अर्थ होता है वो जरूरी नहीं है कि सुनने वाला उन अर्थों में उस बात को सुन रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, शास्त्र की बात यहां नहीं कर रहे, हम एक सामान्य भाषा की बात मैं कर रहा हूं। तो जब सामान्य भाषा में कम्युनिकेशन होता है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बोलने वाला शब्दों का प्रयोग करता है, उस शब्द के पीछे कोई ना कोई अर्थ है, और सुनने वाला इस बात की अगर परवाह न करे कि बोलने वाले का अर्थ क्या है, मेरे को उसको पकड़ना है। मैं अपना अर्थ अगर उस पर इम्पोज करूँगा तो जो बोल रहा है आदमी उसकी बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अपना अर्थ उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। इस बात के प्रति सचेतना होना जरूरी है,
और अगर डाउट हो तो पूछना चाहिए बोलने वाले से कि क्या आपका यही अर्थ था। तो इस सेंस में हम यहाँ पे डायलॉग करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है कि हम एक दूसरे की बात समझें। धर्मपाल जी भी कुछ लिख के गए हैं, उनको हम सुनेंगे नहीं, उनको हम पढ़ेंगे, बाकी हम आपस में एक दूसरे को सुनेंगे। तो यहाँ पे कान की क्रिया होगी, वहाँ आँख की क्रिया होगी, है ना। और आँख और कान की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इस बात पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आँख जब कोई चीज को पढ़ती है तो अंदर में जो प्रोसेसिंग होती है वो शायद अलग तरह की होती है, और जब हम सुनते हैं तो जो प्रोसेसिंग होती है वो अलग तरह की होती है, और ये फर्क काफी महत्वपूर्ण है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में तो ओरल ट्रेडिशन के लोग हैं हम लोग, ऐसा कहते हैं हम लोग, और मुझे उस बात में बहुत दम भी लगता है और वो बात जरा महत्वपूर्ण भी लगती है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब मैं पढ़ा तो मुझे भारतीय चित्तमानस काल की याद आई, मैंने दोबारा पढ़ा, मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी ये किताब हमारे लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो इस देश के बारे में, हमारे समाज और सभ्यता के बारे में चिंता करते हैं, थोड़ा परेशानी, अगर मैं शब्द यूज़ करूँ तो परेशान है, और कहीं ना कहीं उनको कुछ रेजोल्यूशंस चाहिए, कुछ सीकिंग है कि क्या किया जाए। बहुत चीज़ें हमको एक वेग सेंस में समस्या दिखाई देती है, हो सकता है हम उसको बहुत तरह अच्छी तरह डिफाइन ना कर पाए, लेकिन एक फीलिंग है कि देर इज अ प्रॉब्लम आउट देयर एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, बट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट, विच डिरेक्शन टू लुक इन टू। सो आई थिंक दिस बुक हेल्प्स अस टू एटलीस्ट लुक इन टू दोज डायरेक्शन। एक बात और बोल के मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूंगा कि धर्मपाल जी के काम को जो लोग, आप लोग वाकिफ हैं उनके काम से, उनको मैं कम से कम तीन हिस्सों में बांट के देखता हूँ धर्मपाल जी के काम को। एक हिस्सा है जिसमें ब्यूटीफुल ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी वाली किताब आती है या उस तरह की और सामग्री आती है, जिसमें उन्होंने 18 सेंचुरी में भारत में किस तरह की व्यवस्थाएं थी उसकी एक झलक मिलती है। व्यवस्थाएं थी या जो हमारे यहाँ उत्पादन होता था, कृषि का उत्पादन होता था, स्टील का उत्पादन होता था, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी, हमारे यहाँ वगैरह वगैरह, ये जो कुछ फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही थी उसका एक आपको एक नक्शा मिलता है, उसकी एक व्यवस्था मिलती है, उसका कितना व्यापक स्वरूप है वो दिखाई देता है। एक ये कैटेगरी है और यहीं से उनका काम शुरू हुआ। उसके बाद दूसरी कैटेगरी उनके काम की है जिसमें रीडिस्कवरिंग इंडिया जैसी किताबों में है, और भी किताबों में है, डिस्पॉइलिएशन ऑफ की किताब में है, इवन ये 5 वॉल्यूम में भी आपको बीच बीच में मिलती है वो चीज़ें। उसमें आपको ये दिखाई देगा कि हमारी व्यवस्थाएं का किस कारण से वो ख़त्म हो गई, मतलब उनका ह्रास हुआ, उनका नष्ट हो गई वो। और उसमें भी आपको दो तीन तरह की आपको दिखाई कारण दिखाई देंगे। एक कारण जैसे जानबूझ के किया गया, ये भी दिखाई देगा। एक कारण अनजाने में वो नष्ट हो गई, या कोई दूसरे एक 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 कहीं से कोई एक चीज की गई और उस चीज के परिणाम बहुत दूर तक गए, इस कारण वो नष्ट हो गई। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे रेवेन्यू सिस्टम बदला गया भारत का, तो जब रेवेन्यू सिस्टम बदला गया तो देश में बहुत बड़ी गरीबी आई और यहाँ का समाज बहुत लाचार हो गया, और समाज जब लाचार हुआ तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ये भी अपने आप धराशायी हो गई। एक इस तरह की चीज उनके कामों में मिलेगी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण ये भी दिखाई देगा कि अंग्रेजों की, हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनकी दृष्टि कैसी थी, यानी हाउ डिड दे परसीव थिंग्स। यू नो वी परसीव इन अ डिफरेंट मैटर, लेट्स से यू सी अ ट्री और अ काओ और व्हाटएवर, आप उसको कैसे देखते हैं और वो उसी चीज को कैसे देखते थे, तो दृष्टि में भी फर्क आपको दिखाई देगा। और उनके दिमाग कैसे काम करता है, एक तो परसेप्शन है,
और एक है कि आप पूर्ण दिमाग कैसे प्लानिंग करता है, कैसे जस्टिफाई करता है चीज़ों को, क्योंकि अंग्रेजों की ये आदत है कि वो जो भी काम करते हैं उसको वो उसका एक जस्टिफिकेशन देते हैं, और वो जस्टिफिकेशन जो है उसके उसके आधार क्या है, उसके उसकी मान्यताएं क्या है, ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये दूसरी कैटेगरी का काम धर्मपाल जी के काम में मिलता है। परंतु ये सब करने के बाद भी, मतलब उन्होंने काम शुरू किया मेरे सन में 60, mid 60s में, 62 के पहले ही शुरू हो गया था एक तरह से, लेकिन गहरा काम शायद 60s के 63-64 से शुरू हुआ। तो वहां से लेकर के 91 में जब ये किताब लिखी गई, यानी 30 साल उन्होंने इसी ये तपस्या ही की, लाइब्रेरीज में जाके, आर्काइव्स में जाके, वगैरह वगैरह, और साथ में उनका एक दिमाग चलते रहा, क्योंकि वो कोई पीएचडी के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी जिज्ञासा थी कि इस देश को हम नहीं समझते। ये कंक्लूजन पे वो पहुंचे थे कि ये हमारा पढ़ा लिखा वर्ग, जिसमें हम सब आते हैं, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग इस देश को नहीं जानता। यहाँ से उनकी बात शुरू हुई, यही ट्रिगर था कि उन्होंने रिसर्च शुरू किया, और वो रिसर्च में फिर ये सब मिला जो मिल जिसकी मैं बात अभी कर चुका हूँ। लेकिन इसके बाद भी एक प्रश्न उनके दिमाग में रहा कि भाई अगर इतनी सुंदर व्यवस्था थी इस देश में, इतना उन्नत हमारा समाज था, इतना बड़ा प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, इतनी व्यापक स्कूली व्यवस्था थी, इतना अच्छा स्टील बनता था, इतनी अच्छी खेती होती थी, और समाज भी चलित था, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा रूप से एक्सप्लॉयटेशन होता हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो फिर क्या कारण है? गरीब अमीर के बीच का फासला कम है। उनके कई कामों में ये मिलता है कि जो आज के दिन आपको अमीर और गरीबों के बीच का इतना बड़ा फासला दिखाई देता है कि एक एक 1:100 का भी रेशियो कहीं कहीं होगा, वहां पे नहीं, वहां पे 1:2.5, 1:3 का रेशियो है उस, मतलब 18th century इंडिया में। तो ही केप्ट वंडरिंग कि ये तो ठीक है, एक तरह डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम खड़े क्यों नहीं हो गए फिर से? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंस के बाद तो अंग्रेज तो चले गए, अब हम किसको दोष दें? अब क्यों नहीं हम खड़े हो पा रहे, या क्यों नहीं खड़े हो गए? तो इस प्रश्न पे मुझे लगता है उनका जो चिंतन था उसका रिजल्ट ये भारतीय चितमानस काल है। ये उनको ये लगता लगा कि हम शायद अपने साधारण लोगों के, जो वो अभी भी उसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में 18th century में वो रहते थे, और उस 18th century में एक थ्राइविंग सोसाइटी दिखाई देती है। हमारा जो साधारण है आज का, जो शायद गंगा में जाके डुबकी लगा करके और सोचता है कि मेरा मेरे पाप धुल गए, और हम सोचते हैं कि हम उसको अपने रैशनल दिमाग से जब सोचते हैं तो हमको लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, अंधविश्वास है। वो जो साधारण भारतीय है उससे हम पढ़े लिखे लोग, हमारा जो चित्त और मानस और काल, उसकी वो संज्ञा दी है, इसके क्लासिकल डेफिनेशन में हमको नहीं, मेरे समझ में नहीं जाना चाहिए कि चित्त को हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कैसे परिभाषित किया गया है, या बौद्धों ने इसको कैसे परिभाषित किया है, या जैनियों ने कैसे परिभाषित किया गया है, उसमें न जा करके जिस सेंस में धर्मपाल जी बोल रहे हैं उस सेंस में, मतलब वो मेरे जो समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि भारत का साधारण अपने निर्णय, अपने डिसीशंस कैसे लेता, हाउ डज ही टेक हिज और हर डिसीशंस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब खाने से लेके, उठने बैठने से लेके, लोगों से व्यवहार से लेके, मॉरल इश्यूज पे, धर्म के इश्यूज पे, वो जो डिसीशंस लेता है साधारण, उसके आधार एक तरह के हैं, और हम पढ़े लिखे सो कॉल्ड रैशनल बींग्स, हमारे आधार कुछ और तरह के हैं, और ये दोनों में एक प्रॉब्ली कोई सामंजस्य नहीं, कोई अलाइनमेंट नहीं, और ये दुनिया, ये सॉरी भारत, ये पढ़े लिखे लोग चला रहे, चाहे वो सरकार के अंदर हो या सरकार के बाहर, व्यवस्था के
चलाने वाले हों या व्यवस्था को लगता है कि नहीं चला रहे, पर व्यवस्था से पूरा उनको फायदा मिल रहा है, उस व्यवस्था के हिस्से हैं। एक क्लर्क भी है ऑफिस में, वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा है। तो ये जो पढ़ा लिखा समाज है, जो इस देश को चला रहा है, जो इसकी नीतियां बना रहा है, जो इसका संचालन कर रहा है, वो उसका दिमाग, उसके निर्णय लेने के पैमाने, पैरामीटर्स और जो ये साधारण है, इसके बीच में बहुत बड़ा एक फर्क है। और इसी की वजह से हम एक डिसफंक्शनल सोसाइटी, ऐसा वो कह रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं। और ये उसको समझना बहुत जरूरी है ताकि देयर इज एन अलाइनमेंट, और उसी के आधार पे हम अपना संसार खड़ा करें। ये जो जिस संसार में हम रह रहे हैं, हम पढ़े लिखे या हमारे साधारण देश के जिस संसार में हम रह रहे हैं, जब मैं संसार कह रहा हूं माने जो दुनिया हमने बनाई है, जो व्यवस्थाएं हमने बनाई है, वो व्यवस्थाओं में वो हमारी नहीं है। यानी हमारे साधारण के मान्यताओं के आधार पे नहीं खड़ी, उसकी दृष्टि के आधार पे नहीं खड़ी हुई है, ये कुछ और से बौरों की हुई दृष्टि जो हम एजुकेटेड लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली है, इम्बाइब कर ली है, नोइंगली अनोइंगली, उसके आधार पे ये व्यवस्थाएं खड़ी। इसी व्यवस्था की गांधी जी हिंद स्वराज में उसको डिकंस्ट्रक्ट करके आपको बता रहे हैं कि ये कितनी एक्सप्लॉयटेटिव है, या कितनी इल्यूजनरी है, या कितनी भ्रामक है। तो इस सेंस में हिंद स्वराज और ये भारतीय चितमानस काल में एक एक सामंजस्य है। और मुझे ये लगा कि हम लोगों को इसको इसी कारण से इसको धीरे धीरे पढ़ के और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए।